जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। बोलते हैं कि अर्थमेटिक मैथ का अगर कोई रूट्स है, जड़ है, तो वो आपका परसेंटेज होता है, प्रतिशतता। परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो आपको पूरा मैथ कंप्लीट करवाता है। जिनको लगता है ना सर यहाँ से नहीं, तो आज बेसिक एक बार क्लास को, बस ये ना कीजिएगा, आप स्किप ना कीजिएगा, क्लास को कंटिन्यू एक बार आप पढ़ के देखिएगा। और बच्चों में बहुत क्लास है, नहीं सिर्फ एक क्लास पढ़ के देखिए और आपको लगे कि हाँ यार ये चैप्टर जो है ना आगे हर एग्जाम में आपको आने ही वाला है, हर चैप्टर में भी इसका चैप्टर आने वाला है, तो उसको स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो बिल्कुल बेसिक, जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए भी है और जिनको आता उनके लिए भी है। कैसे कि हम लोग जब परसेंटेज बात सुनते हैं तो परसेंटेज होता है क्या, होती क्या है? तो देखिए, जैसे मैं बाप से बात करूं कि मेरे पास 100 रुपये हैं, या मेरे पास 1,000 रुपये हैं, या मेरे पास 1,00,000 रुपये हैं, या मेरे पास 10 रुपये हैं, या मेरे पास 10 पैसे हैं, तो एक चीज़ समझिएगा, जो कुछ है ना वो अपने आप में 100% है। जैसे तुम खुश हो अपने आप में 100% खुश हो। तो जैसे मैं देखा परसेंटेज, तो अगर मेरे पास सिर्फ 1 रुपये भी है, वो क्या है, एक इस 1 रुपये का 100% है, डन। और ऐसे ही मैंने बोला भैया आधा रुपये मेरे पास, यानी 1/2 है, तो कितना हो जाएगा भैया, 50% हो जाएगा। मैंने कहा 1/3 है बच्चे, तो कितना हो गया, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% बेटा। 1/3, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप इसको बोल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फिर आगे चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक। 1/4 कितना होता है बच्चों, 1/5 कितना होता है, कितना होता है, 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। अब इसको यहाँ ना लगाइए, यहाँ एक स्लाइड लगा दीजिए जो 1 से लेकर 1/20-25 तक होनी चाहिए, ठीक है, लगा दीजिए यहाँ स्लाइड को, लग गए। चलिए अब इनको समझिएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे आपने बोला 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये तो मुझे पता है और मुझे याद भी है, बट जैसे आपने बोला 1/6, 1/7, ये याद नहीं होता, और ये कैसे आता है? तो समझिएगा, ये बना कहीं से ऑटोमेटिकली नहीं आता, बनाया जाता है। जैसे मैंने बोला आपसे कि भैया 1/6 है ना, इसका मतलब क्या है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, तो मल्टीप्लाई बाई 100, देखो बेटा 100 एकम 100 रह गए, 1/6। अब डिवाइड की 6 से, तो 6 एकम 6 कितना बचा बेटा, यहाँ 4 40 हो गया, 6 6 कितने बचे बच्चे, 4 4/6, तो 2 2 2 3 यानी 16 सही 2/3 बन गया कि नहीं, ठीक। अच्छा वहाँ नहीं दिखाई देगा, वहाँ लगा दिया, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए बच्चे, मान लीजिए 1/7 समझिए कि हमने बोला 1/7, तो मल्टीप्लाई क्या करोगे बच्चे, 100, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 100/7, तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 30 हो गया, 7 चौके कितने बचे, 2/7 हो गया कि नहीं, यानी 1/7 कितने परसेंट होता है, 14 सही 2/7%। कोई दिक्कत आनी है, और निकालोगे ये, चलो एक और निकालो, मैंने बोला 1/12, क्या बोला भाई, 1/3। और अब आप लोग भी कमेंट करते हो, चलिए बताते हो, क्योंकि अब आपने सीख लिया ना, थोड़ा फास्ट मूवमेंट। 1/12 कितना होता बच्चा, 8 सही 1/3, चलिए बोलो कितना होता है, 1/3। अच्छा जिनको नहीं आया वो देखो कैसे आएगा इसका, 8 सही 1/3, देखो जिनको नहीं आया अब वो देख लो, यहाँ से एक बार फिर से देख लो, ये सब उधर लिखा हुआ ना आपके पास, इसको हटा दीजिए, फिर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। एक बार मैथ्स की रूट मान के चलिए इसको, ठीक है। चलिए जैसे मैंने बोला 1/12 मल्टीप्लाई करो बच्चे 100, कितना हो जाएगा, 100/12। अब देखो सवाल करो, 12 8 कितना बचा, 4/12।
दो चार एकम चार तिहाई कितना हो गया आठ, सही एक बटे डन किया जाए। इसमें इंक डाल दो एक बार है ना, और हमें दूसरा मार्क कर दो तो एक ठीक है। अगर मैंने बोला एक बटे यहाँ बोल दिया एक बटे चौदह तो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड कितना होगा बच्चे, सौ बटे चौदह, चौदह सत्ते दो बटे बचे दो एकम दो सत्ते यानी चौदह सही सात सही एक बटे सात परसेंट डन किया जाए। यहाँ तक समझ में आया सबको डन? अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों आपके मार्कर नहीं मिल रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक सबको आ गया होगा। अब थोड़ा सा मुझे बता दो, सभी लोग साथ आते हैं बोल दीजिएगा एक बार है ना, चलिएगा हाँ इसको बोलते हैं एक बार। बताओ अगर मैंने बोला यहाँ एक बटे बीस तो कितना हो गया भाई, पाँच परसेंट है ना डन। और मैंने बोला तीन बटे पाँच, तीन बटे चार बोल देता हूँ बेटा, अब कितना 75%। और मैंने बोला यहाँ दो बटे पाँच तो 40%। जिनको अभी यहाँ तक नहीं आया वो देखो बेटा कैसे, देखो जब एक तीन बटे मैंने क्या लिखा तीन बटे चार, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली समझिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे आप ठीक। अभी क्या है कि जैसे मैंने बोला तीन बटे चार तो मल्टीप्लाई क्या करो बच्चे, सौ, देखो सौ गुणे तीन कितना होगा बेटा 300 हो जाएगा बटे चार, देखो अब चार सत्ते 28 कितना दो हो गया 20, चार चार पंचे 20 कितना हो गया बच्चे हो गया डन। ऐसे दो बटे तीन के अगर दो बटे पाँच, देखो अगर ऐसे भी आपको ना करना हो तो एक बेस्ट तरीका आपको और होता है कि दो बटे पाँच है ना, देखो आपको एक बार समझना पड़ेगा रुकना पड़ेगा, एक बार ऐसे नहीं होता तुरंत आप आए और हवाई हो लिए गलत बात है। देखो जैसे मैंने बोला दो बटे पाँच तो इसका तात्पर्य यही तो होता है कि भैया पाँच में से दो, यानी पाँच क्या अपने आप में 100% रहा। अब देखो अगर पाँच अपने आप में 100% है तो देखो कितने गुना बचेगा बच्चा, 20 गुना दिखा कि नहीं, देखो कितना है मल्टीप्लाई बाय 20 है तो ये मल्टीप्लाई बाय तो 20 गुना बेटा ये भी दो होगा कितना हो जाएगा 40। अगर तीन बटे पचास बोले तो 60, चार बटे पचास बोले तो 80 और एक बटे पाँच बोले तो 20 डन। चलिए अच्छा यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार देखो ऑफलाइन आप भी बोलिए ऑनलाइन आप भी बोलिएगा ठीक है। एक बटे दो कितना होता है, कितना होता है एक बटे तीन, एक बटे चार 25%, एक बटे पाँच 20%, एक बटे छह 16 सही दो बटे 3%, एक बटे सात 14 सही दो बटे सात, एक बटे आठ 12.5%, एक बटे नौ 11 सही एक बटे 9%, एक बटे दस 10%, एक बटे ग्यारह 9 सही एक बटे 11%, एक बटे बारह 8 सही एक बटे 3%, एक बटे तेरह 7 सही 9 बटे 13%, एक बटे तेरह कितना है 7 सही 9 बटे 13%, और एक बटे चौदह कितना है 7 सही 1 बटे 7%, एक बटे पंद्रह 6 सही 2 बटे 3%, एक बटे सोलह 6 सही 1 बटे 4%, एक बटे सत्रह 5 सही 15 बटे 17, एक बटे अठारह 5 सही 5 बटे 9%, एक बटे उन्नीस 5 सही 5 बटे 19, क्यों बाकी सबने दही जमाना है मुंह में, एक बटे बीस 5%, तीन बटे आठ 37 सही 1/2%, तीन दिख रहा है 3/8 हाँ, और 4/7 57 सही 1/7%। चलो तुमने सबने बोला आपने बोला सबने, चलो सबने बोल दिया। अब कुछ बेसिक प्रश्न जो आप सीखेंगे एडवांस में वो सीखिएगा, इस क्लास को आप हर चैप्टर से मैच कीजिएगा, ये क्लास हर चैप्टर मैच करने वाली बस एक जादुई क्लास होने वाली है। हाँ पर ये वाला धीरेन्द्र शास्त्री वाला जादुई नहीं है ठीक है, फंडा तो हमको फंसा दो ठीक है। हाँ वो बाबा जी हैं, अच्छे बाबा जी हैं, अच्छे काम करते हैं, अब किसी के बारे में हमें क्या पता है ना, जो हमारी मनसा है हम सो सकते हैं, हमें अच्छे लगते हैं मैंने अच्छा कर दिया तुम खराब कह लो, लेकिन किसी के बारे में बिना कुछ जाने जजमेंट देना गलत बात है ना।
हम नहीं जानते वो व्यक्ति किस प्रकार का है, क्या जानता क्या नहीं जानता। अरे हम सामने वाले को नहीं जान पाते, सोच क्या रहा है यार, तो वो तो एक व्यक्ति जो है इतना बड़ा आश्रम चला रहा है ना, इंटरनेशनल है, लंदन में जाता है, अमेरिका में तो चला, यहाँ तो वीज़ा नहीं बन पाता अभी तक बन पाया है। तो हम टिप्पणी करें तो क्यों करें किसी ऊपर, है ना। मतलब टिप्पणी करने के लिए एक लेवल होना चाहिए, मतलब एक अगर बोलते हैं ना कि अगर हाथी जा रहा है तो उससे टक्कर देने के लिए हाथी होना चाहिए, शेर से लड़ने के शेर होना चाहिए, और फिर भौंकने वाले तो उनके लिए भौंकने वाला बनना पड़ता है, और वो हम बन नहीं सकते ना। तो ठीक छोड़ गए वाणी। अभी देखो एक छोटी बेसिक बात कि जैसे मैं यहाँ आपको एक बात कह दूँ, मैं ये कह दूँ आपसे कि सर मैंने कोई तत्व है या कोई चीज़ है मैंने 10 रुपये की परचेज की खरीदी, ठीक है, और मैंने वही चीज़ अगर 15 रुपये में बेच दी है, क्या मैंने वो चीज़ इसकी मान लो सीपी 10 रुपये है और मैं उसको बेचूं बच्चे कितने में, मैं बेच दूं आपको 15 रुपये में, तो एक चीज़ पूछोगे सर कि जो मैंने लेन देन में जो मुझे लाभ है वो लाभ कितना प्रतिशत है। देखो लॉस प्रॉफिट भी आ गया, बहुत सारे चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है, तो क्या इसमें लाभ प्रतिशत बताइए यानी प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो आपको सर 10 रुपये की खरीदी 15 की बेची, कितने रुपये मिले हमें 5, पर किसके ऊपर 10 रुपये के ऊपर, तो 5/10, 5×5 = 10, 1/2, 1/2 कितना होता बेटा 50%, यानी 50% का हमने क्या कमाया लाभ कमाया 50%। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर मैं कोई तत्व जो 10 रुपये की कोई वस्तु मैं ले रहा हूं और मैंने वो 12 रुपये की बेचनी है, 10 की ले रहा हूँ 12 की बेचनी है, तो कितना परसेंट आप फायदा कमा पाओगे। अंतर देखो बेटा क्या 2 रुपये का अंतर है, किसके ऊपर 10 के ऊपर, 2×2, 2×5 = 10, 1/5 कितना होता है 20%, तो मैंने कितना फायदा कमाया बच्चे 20%। अगर मैं ऐसे छोटे छोटे तत्वों को और लाऊंगा आपके साथ, लेकिन छोटी छोटी बातें करनी है, जैसे मैं यहाँ आपसे सिंपल सा एक बात बोल देता हूँ, हम लोग बहुत सारा चीज़ कोशिश करते हैं, तो क्लास बेसिक से शुरू हो रही, परेशान नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें अभी आपके लिए आने वाली हैं। जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न दे देते हैं, ठीक है, ऐसे सिंपल ही है नॉर्मल टाइप का, कि मैंने लिखा 432 का 6/2/3% बताइए, कितना कि 432 का 6/2 कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, मैंने लिख दिया, आप ना लगाइएगा इसको। तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, मैंने ऑप्शन दिया आपको, वैसे हालांकि बहुत आसान आसान चीज़ें हैं, डी ऑप्शन है 28.8, कितना बच्चे 28.8, बी आपको दिया 28.7, सी दिया मैंने 28.6 और डी दिया मैंने 28.9। क्या देखो इनमें से कोई आंसर है, क्या इनमें से कोई आंसर है, नहीं है, पक्की बात, चलो हो सकता है मिल जाए बाद में। देखो बेटा जिनका नहीं आया, और अगर हो सकता है चलो एक और ले लो, ई ऑप्शन और ले लो, ई है नन ऑफ दीज, ठीक है चॉइस कर लेना। चलो देखो क्या करना है, आपने कहा सर 432, बेटा ये कितने परसेंट होता है नहीं पता ना, यही दिक्कत थी तुम्हारी और कुछ नहीं थी, दिक्कत सिर्फ इतनी थी आपको यही नहीं पता था। तो 6×18 = 20, तो यानी गुणा 20/3, यही तो बात करनी थी, तो इतना ही करना था, लेकिन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाय 1/100 करोगे ना, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या है परसेंटेज में, आप कर लो बेटा। कुछ आता है आपको, क्या आता है आपको 20×20, 20×5 = 100। अभी क्या बेटा देखो इसका आपको कुछ पढ़ा आता है आपको, देखो पढ़ पाओगे, तो 3×3 और कितना बचा यहाँ 1, 3×4 फिर कितना बचा 1, 3×4 खत्म कहानी, 144/5, 5×2 = 10, कितना बचा 4, 5×8 = 40, कितना बचा 0.5, फिर से 5×8 = 40, कितना बार आएगा
28.8 कहाँ है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए में। तुम तो नॉन ऑफ दी ढूंढ रहे थे बेटा यही स्पीड से। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल बहुत अभी तो इंटरवल हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और देते हैं आपको, सेम बेस बिल्कुल हो वो, ये लिखने विकने नहीं है प्रश्न, मैं आपको जब बताऊंगा तब लगाने हैं आपको, ठीक अभी नहीं लगाने। लिखिएगा 1260 का 25% कितना होगा, 1260 का 25% कितना होगा, 1260 का 25% बताइए। 315 ना दिखाओ भाई, गलत बात है। 1260 का 25% दो बालक है, 315 लाए सर, 315 नहीं लाओ भाई, हमारे यहाँ यूपी में 315 कुछ अलग ही होता है यहाँ। कितना होगा ठीक बेटा, ये यूपी है ठीक, यहाँ 315 ना बताओ। हाँ देखो कितना बेटे, ऑप्शन भी चाहिए इसमें भी ऑप्शन, लो भाई ऑप्शन भी लो, 312 315 113 देखो लिख लो, 312 ऑप्शन बी है बच्चे, 315 अच्छा इसमें भी है, और सी 113 और डी, डी है बच्चे आपका 316 है। लो चॉइस करो भाई, 315 चॉइस। देखो बेटा 1260 मल्टीप्लाई कितना, ये कितने परसेंट होता है बेटा, 1/4 बस हो गया सॉल्व, यही 4 × 4 चार तिहाई 12 और फिर कितना है, तो ये 4 × 5 खत्म कहानी, ये 315 चॉइस हो गया ठीक, अच्छी चॉइस है बेटा, पर चलाना नहीं, चलाना नहीं लेकिन ठीक। एक और दे, बहुत बेसिक हैं जो सीखने आए उनके लिए तो गजब है, और हाँ भैया यही गजब है, ये आपका यूपीपी जानते हो, हाँ यूपी पुलिस, ये ऐसी पुलिस है ब्रह्मांड की, कर्म किए हो ना किए हो लेकिन ज्ञात करवा सकती है ना। तो फिर इसी का न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल का जो वैकेंसी संभावित है इसी जनवरी में है ना, उसके लिए हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, और आपका पहली क्लास आप इसको लिख सकते हैं क्लास नंबर भाई, ऐसा हैश डालिएगा फर्स्ट, क्योंकि ये बहुत ही ब्रांडेड क्लास है ठीक है, ठीक तो इसको शेयर बिल्कुल कीजिएगा तुम्हारे लिए। चलिए अरे प्रभु, चलो नेक्स्ट करो, थोड़ा सा बेसिक और है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ने के बाद ही क्लास को स्टार्ट करेंगे तब मजा आएगा। अरे पहला ही क्वेश्चन लोगों को प्राण निकाल जाए परेशान हो, एक और करो, 1560 का 75%, 1560 का 75% 75% कितना होगा, कितना होगा, चलिए बताइए भाई तुम्हारे लिए कीजिए, 1170। देखो इसको ऑप्शन से नहीं देने से बता दिए, ये कितना होता है बेटा, ये होता है 3/4, 3/4 तो बस 1560 मल्टीप्लाई बाय 3/4 बस हो गया काम, 4 × 4 तिहाई कितना बचा, 3 कितना हो गया, 4 नेम खत्म कान, 390 × 3 तो बेटा पहले 0 और 9 तिहाई 27 कैरी 3 तिहाई और 2 कितना हो गया, 1170। बोलते हैं विशेष बात है तुम्हारे लिए, इसको स्पेशल लगा के रखना कि मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी भूल जाओगे, इसीलिए जो है ना क्लास को बेसिक से सीखिए। जैसे कई सारे बच्चे आएंगे, अरे सर तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग, मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरे यार एक बार बेसिक से पढ़ो, क्योंकि वैकेंसी में अभी टाइम भी है, और बोलते हैं जिसको घमंड आता है वो डूब जाता है, तो पहले एक बार बेसिक से सीखते चलिए, क्योंकि कई बार ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न हम फ्लो फ्लो में गलत लगाते हैं। अच्छा एक प्रश्न गलत करने का परिणाम जानते हो, एक गलत परिणाम ऐसे मानिए कि जैसे आपने 50 सही किए थे उसमें एक गलत किया तो कितने रह गए, 49, लेकिन ये 0.25 आउट ले जाएगा,
इसका मतलब क्या है, 48.75 पर पहुंचा देगा आपको। समझ, 49 में भी नहीं रहे तुम यार, यानी एक गलती कितना खा रही है आपका, एक तो लेके जा ही रही पूरा, साथ में पिछला वाला भी खा रही है। इसलिए गलती को नहीं करना है, इसलिए बेसिक से समझते हुए चलना है। सब आपके लिए क्लास स्टार्ट की गई, विद्वत है, हाँ इतना जरूर कहूँगा शेयर अवश्य करो, निःशुल्क है, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। चलिए तो प्रश्न नंबर एक और नेक्स्ट सेम ऐसा ही है, लगाइए कि 2000 का 1/5 कितना होगा, 2000 का 1/5 कितना होगा, सेंड करते रहिए मैं सबके, देखो आज मैं कमेंट बॉक्स बाद में चेक करने वाला हूँ, तो आप लोग आज सही कीजिएगा भाई कि 2000 का कितना है 1/5, बताओ चलो 400, तो 5 × 5 = 20 कितना आ गया बच्चे 400। एक और कीजिए नंबर 5 बता के करवा रहे हैं आपको, 1550 का 10% बताइए, 1550 का 10% कितना होगा, हालांकि खिलाड़ी बच्चे तो कर चुके होंगे, कितना होगा, बहुत बार पड़ेगी गदड़ो, 125, 10% की बात की गई है, अच्छा कितना बोला है, 1550 बोला है तो भी ठीक है, 1550 बोला है तो ठीक है, 155, और 1250 बोला है 125, ठीक। और अगर यहीं बोल देते हैं हम 2050 बोले होते तो 205, यहाँ अगर 50005 बोले होते तो 5000, हाँ 5000, बना थप्पड़ पड़ जाता तुम्हारे, ठीक चलेगा। अब बेटा थोड़ा सा हो जाएंगे, चलेगा। अब आप कीजिएगा बच्चे, देखो बेटा दशमलव लग जाएगा बस, सीधी सी बात, आप ऐसे कर, तुम भी चिन्नी मिन्नी बन गए सर, चिन्नी चोर कहीं के, अब बनना तो, अगर देखो चोर है बने तो विजय माल्या बन जाओ है, कम से कम जो बनो अच्छे बनो, युद्ध लड़ने की तुम्हें क्षमता, हिटलर बन जाओ है ना। चलिए अब तुम्हारे लिए, जो अब तुम्हारे लिए स्टार्ट होने वाला, इसको प्रश्न को लगा भी दीजिएगा कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, इसको लगा दीजिए और ऑप्शन भी दे दीजिए ना, ठीक है। चलिए आप लोग कीजिए, हम बानी मिले जरा सा, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, और आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑनलाइन, चले भाई सबका आंसर आ गया, कितना आया भाई, ऑप्शन दें, थप्पड़ मारेंगे ऑप्शन तुमको यहाँ नहीं दिखा, अच्छा तो चलो तुम देख लो, 0.8%, 80%, 8000%, 800%, चलो बोला क्या, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है, का किसके सामने लगा है, 2.5 किलोग्राम का, बस हो गया। देखो ये आपको हम कराएंगे, आप बेसिक से देखिएगा, यही समझ लिए आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, वो तो आपके लिए खिला रहे थे बेटा। चलिए नंबर 6 हमारी तरफ से दिया गया है, ठीक है, क्या है कि 2 दशमलव बोला गया, 2 क्विंटल है ना, और बोला गया 2.5 किलोग्राम का, तो देखो हमेशा जब भी निकालना हो तो यूनिट सेम कीजिए, यानी 2 क्विंटल का कहिए किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, तो 2 क्विंटल को किलोग्राम से क्या कर बेटा, 1000 किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे उसको, है ना, अब मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, इतना करने के बाद इसका आंसर नहीं आया, तो कितना हो जाएगा बच्चे कि 2000/2.5 मल्टीप्लाई बाई 100। अब कर दो, पहला आता है कौनो, क्या करना चाहते हो, करो फुर्तिम करो, हाँ कितना आ गया, 8000 आ जाएगा, क्यों, दशमलव हटाएंगे
जीरो पड़ेगा, ठीक। 25 अट्ठे 200 कितना हो गया, अब इंटू 100 का बेटा, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब बताओ क्या बात है, वो 80,000 कहीं ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, तो जिनका नहीं हो रहा उनकी समस्या है, जिनका हो गया उनकी बड़ी अच्छी बात है। तो देखो एक बात सोचो बेटा, जब आप इसको कर रहे थे आप क्या सोच कर रहे थे, इसको ये भी किलोग्राम है, ये किलोग्राम है, परसेंटेज है। तो आपने क्या ऐसे इसको हल किया, जो यहाँ तक पहुँचा उसका तो सही है, और जो नहीं पहुँचा है उसका देख लीजिए कैसे नहीं पहुँचा है। उनने क्या किया है, वो स्मार्ट बंदे बन गए, उन्होंने यहाँ लिखा 2000 किलोग्राम बटे 25 × 100, और उन्होंने कहा 25 अट्ठे 280 हो गया मल्टीप्लाई बाय, बोले सीधा सीधा 8000 परसेंटेज हो गया। लेकिन कितना होगा सोच लो भाई साहब, अभी भी गलती हो सकती है, है? कर क्या रहे हो तुम लोग, तुम लोग एक चीज नहीं सुन पा रहे हो, वो ये है कि भैया किलोग्राम में बेटा अच्छी तो एक क्विंटल में कितने किलो होता है, 100 किलो होता है ना, तो इसको तुम 1000 क्यों करवा रहे हो, कि ग्राम में चेंज करना नहीं बेटा, ऊपर वाला किलो नीचे किलो किलोग्राम में चेंज करोगे ना। इसीलिए आपको ये सब ऐसे मैंने इसलिए करवाया था कि आप ध्यान दें, आप यूनिट बेसिस पे ध्यान नहीं देते। यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, चलो हो जाएगा। तो 2 × 100 / 2.5 kg, kg ऊपर वाला भी 100 बेटा। जैसे ही आप ऐसे करेंगे अब ये आप कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ हटाइए, यहाँ कितना हो गया 1000, ऊपर कितना हो गया बेटा 2000 × 25 × 100। तो देखो बेटा 25 × 25 = 4 × 2 कितना हो गया बच्चे 8000%। यही ऑप्शन में करेक्ट है, ये डन, गलत है ये तरीका गलत, क्योंकि आपने बताया नहीं क्यों है, और ये सही क्योंकि आपने ये बता के ही किया, डन चलेगा। अब लगाइए नंबर नेक्स्ट, उससे पहले थोड़ी सी प्यारी सी बात तुम्हारे लिए फिर से आई कि दुनिया मतलबी है मेरे यार, ये दुनिया मतलबी है मेरे यार, कदम कदम पर टोकेगी, कदम कदम पर टोकेगी, खुद से कुछ ना होगा लेकिन तुझे करने से रोकेगी ना। बोले कि दुनिया मतलबी है मेरे यार, खुद से कुछ ना होगा पर कदम कदम पे तुम्हें टोकेगी, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा एक बात बढ़ाओ आगे से, थोड़ा सा देखो इस बार ध्यान रखना, ऐसा ही यूनिट फिर देने वाले हैं और थोड़ा इस बार और बढ़ा देंगे। कैसे लिखिएगा आप लोग, लिखिए कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत होगा, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत होगा, चलिए बताइए। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत होगा, आधे घंटे का 1 मिनट और 10 सेकेंड कितना प्रतिशत होगा। देखो बेटा ऑप्शन है 3.80, 2.5, 3.5 और 35%। अच्छा एक ऑप्शन और, ये में देखो 3.88 कर लो, ठीक चलेगा। जिनका आ गया उनकी अच्छी बात, नहीं आया बेटा और अच्छी बात, एक बार करके देखो। देखो अब क्या है, जो सेकंड वो क्या बोला गया कि आधे घंटे का कहाँ लगा है, आधे घंटे पे, और आधा घंटा कितना होता है, 30 मिनट, ठीक है 30 मिनट। ऊपर क्या है 1 मिनट 10 सेकंड, इन 70 सेकंड मिनट नहीं, अब नीचे वाले को भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 30 मिनट नहीं बेटा मल्टीप्लाई बाई 60 हो गए सेकंड, और परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया परसेंटेज। चलो बेटा अब आप पढ़ लो, कौन सी आपको जो भी पता हो पढ़ लो, कितना हो गया
बोलो फोर्थ में बोले कितना आंसर आया, बोल ही नहीं रहे तुम तो, अच्छा गिनती नहीं आ रही है, हम बताओ तो क्या बोल रहे हो। देखो बेटा पाँच का पहाड़ आता है आपको, तो देखो बारह पंचे साठ, अब पाँच एकम या आप ऐसे पढ़ लो पाँच दोनी हो गया, अभी बात बची है तो क्या करोगे, पाँच चौके बीस, पाँच एक तीस, अभी और कुछ बचा है क्या बचा है, हाँ आप ऐसे काटो मार पड़ने वाली है, चार से काटोगे, हाँ चार एकम चार चार तिहाई बारह, और कुछ बचा क्या बचा है, दो से कितने काटोगे, ये दो तिहाई छः और ये पैंतीस दूनी सत्तर, तीन तिहाई नौ और ये पैंतीस, यानी पैंतीस बटे नौ। अब देखो बेटा नौ तिहाई कितना बचा, आठ, दशमलव लगाओ बेटा अस्सी हो गया, नौ अठे फिर से आठ बचा, फिर अस्सी हो जाएंगे, नौ अठे कितना परसेंट हो गया बच्चे, थ्री दशमलव आठ आठ, यानी थ्री दशमलव एट एट परसेंट, ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज डन। अगर इसको चाहो तो आप और आसानी से कर सकते थे कि ये मैंने बाप तो बहुत बारीकी से कटवाया बेटा, देखो जब आसान करना हो तो यहाँ लिखिएगा सत्तर सेकंड है डन, मल्टीप्लाई बाई बटे क्या है बेटा तीस बटे साठ मल्टीप्लाई बाई सौ, देखो बेटा बीस पंचे सौ, बीस तिहाई साठ, और कुछ बचा, जीरो से जीरो कैंसिल, पाँच सत्ते पैंतीस बटे नौ, आप समझ गए आराम से आ जाएगा, तो इसे आप एक लाइन में भी कर सकते थे डन। तो कैलकुलेशन आप जितना करेंगे जितना आप बार बार करेंगे उतना ही वेस्ट होने वाला है, सही भाई। चलिए नंबर एट लगाइए, सिक्स डेसिमल एट किलोग्राम यानी छः दशमलव आठ किलोग्राम का कितना प्रतिशत सत्रह होगा, चलो बताओ सत्रह ग्राम करोगे भाई कि किलोग्राम करोगे, क्या करोगे जल्दी बताओ, किलोग्राम करोगे या ग्राम करोगे क्या करोगे, चलो किलोग्राम कर दो बस बनाओ, जल्दी बोलिए, फुर्ती में नहीं कर पा रहे हैं आप, अच्छा चलो लिख लो उसको, सिक्स डेसिमल एट किलोग्राम का कितना प्रतिशत सत्रह होगा, चलिए लगाइए भाई, ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 2.5% और सी है 0.25%, डी है 0.025%, देख लो बहुत आसान हो जाए, कुछ नहीं करना बेटा, चलो अच्छा सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए, कर लीजिएगा इसको, आठ क्या बता रहा है नंबर आठ, ये कह रहा भैया सिक्स डेसिमल एट किलोग्राम है ना का सत्रह ग्राम कितना प्रतिशत होगा, ठीक है तो कुछ भी नहीं करना भाई, सत्रह ग्राम की बात की गई बटे कितना है बच्चे सिक्स डेसिमल एट, देखो ये किलोग्राम में है और वो ग्राम में है, तो बेटा ग्राम के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई 1000 1000, ठीक है और आपको ये परसेंटेज इसलिए आप क्या करेंगे 100, ठीक देखिए बेटा कुछ नहीं करना, ये दशमलव हटाइए ऊपर एक जीरो लगा दीजिए, ठीक है काम हो गया, अब ये 170 ग्राम हो गया कितना हो जाएगा आपका 68000 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से जीरो सत्रह एकम सत्रह सत्रह सौ के 68 कितना हो गया 1/400 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। अब बेटा क्या कर सकते हो सिंपली, आप देखो जीरो से जीरो हटा दीजिए कितना रह गया 1/4, 1/4 रह गया, लेकिन यहाँ कुछ दशमलव भी था किसी अंक में था, याद किया था आपने जो आपने लगा के काटा है, तो वैसे तो 1/4 कितना होता बेटा 25% होता है और यही सही होगा,
क्यों भाई, यही सही क्यों होगा? क्योंकि मेरे पास जो था वो दशमलव में था, किलोग्राम में। तो चूंकि अब यहाँ कह रहे हैं आप 0.25%, ठीक है बेटा, डन किया जाए, चलेगा। अब कीजिए नेक्स्ट नंबर, नंबर 9 कह रहा 75 मिलीलीटर। तुम्हें सारे डिजिट यूनिट सिखा के जाने आज कि 75 मिलीलीटर 1.5 लीटर का कितना परसेंट होगा। ऑप्शन ए 21 सही 2/3, ऑप्शन बी 4 सही 2/7, ऑप्शन सी 47 सही 2/7, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए भाई, हाँ बता दो, पर तुम्हारे लिए प्यारी सी बात आएगी, अच्छी सी वाली, बहुत अच्छी बात। इतनी सी बात थी, कुछ करना ही नहीं था। मिलीलीटर और लीटर में भैया क्या है, 1000, बस यही कर लो। 75 मिलीलीटर है, 1.575 लीटर है, उसको मिलीलीटर में चेंज कर लो, मल्टीप्लाई बाय 1000, हो गया है, गेम करो। तुम कैसे करते हो भाई, चलिए आप लोग बताइएगा फुर्ती में। हाँ बहुत आसानी से कर रहे हैं आप लोग, है ना। नंबर 9 मान लीजिए, ठीक है, वैसे ज़्यादा हो गया, नंबर 9 मान, चलिए आप। और क्या करेंगे हम लोग, 75 मिलीलीटर है बेटा, बटे सिर्फ 75 है, और ये क्या है 1.75 क्या है लीटर, तो मिलीलीटर का बेटा मल्टीप्लाई बाई 1000, परसेंटेज तो 100, डन किया जाए बेटा। यहाँ हटाइए, दो अंक ऊपर लगा दीजिए, है हटा दे इसको। अब देखो बेटा, इससे इससे कुछ कट पाएगा क्या, चाहे देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अभी देखो मेरे पास 75 ऊपर नीचे कितना 175, कट पाएगा नहीं, हाँ लेकिन कट जाएगा, मल्टीप्लाई 10 करोगे आप। देखो 75/1.75 इंटू 10 करोगे बेटा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। अब यार ये सीधे सीधे कट रहा था 10 बार ना, 75 में 75 राम हो गया, और कुछ रह गया, अब तुम काट लो, नहीं कटेगा। अच्छा तो अब फिर क्या करें बताओ, वो 710 होता है, ठीक है, हाँ तुम स्कूल चल रहे हो इसलिए बता रहे हो, लेकिन हाँ देखो तुम तो हवा भाई, तुमको उड़ा देते ना बेटा, उड़ा के रखना है ये तुम्हारे लिए ही है। देखो बेटा 75/1750 मल्टीप्लाई बाई 100, अब तुम्हें कौन सा पाड़ा अच्छा आता है, 25 का आता है, हमें नहीं आता, हमने कहा 0 0 ख़त्म। 5 2, अब मुझे 5 का आता, 5 2 नहीं 10, 5 3 15 कितना बचा बेटा, 2 5 खत्म का नहीं। 35 का पाड़ा आता है लेकिन कटेगा नहीं, 75 बेटा कितना था 150/, अब आता पाड़ा आपको कौन सा आता है पढ़ो, है तो दूनी 70 और पढ़ो, 70 2 140 यानी कितने बार में पहुँचे, 4 बार पहुंच गए। अरे ना हो तो भाई और काट लो, लो और काट लो, 5 से और काट लो, 5 3 15 30 हो गया, 5 7 35, अब ठीक है, 7 4 28 कितना बचा बेटा, 2, कितना करोगे, हाँ कितना 2/7, यहीं रुक दो, 4 सही 2/7%। और ऐसा आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, इतना मैंने क्यों भगाया आपको पता है, क्योंकि आप करना नहीं चाह रहे थे। आप समझो उसको एक लाइन में करने का तरीका, इसको एक लाइन में कैसे करना है, जब भी आपको मिले कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए, जब भी आपको मिले क्या करना कैंसिल करना स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी उसको ही काट दीजिए, क्यों इतना लंबे लेंथी बना के जाना उसको, है 10। और अब यहां से करेंगे क्वेश्चन टाइप चेंज, अभी तक खेल रहे थे आपके साथ, गेम की शुरुआत अब होगी, है ना।
आपको कुछ सर 40 मिनट खेलने के बाद गेम की शुरुआत हो रही? हाँ बेटा, रियल प्लेयर तो महेंद्र सिंह धोनी जो टिकाऊ खेलता है, बाकी आते हैं उड़ जाते हैं, है ना। चलो बोलते ना कि अपनी आंखों में एक सपना बसा लो, अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और सपना को पूरे करने में, सपना को पूरे करने में जी जान लगा दो, ठीक। हाँ पर सपना पड़ोसी वाली नहीं होनी चाहिए, वरना कल सपना के पापा तुमको कूटे था तेरी तो क्यों, ना ना अंकल जी गलती हो गई है। बोले कि आंखों में एक सपना बसा लो, उस सपने को पूरा करने में जी जान लगा दो। चलिए आप टाइप चेंज नंबर 10 इसको लगा दीजिए और आप लोग बेहतरीन तरीके से लिखिएगा इसको कि किसी वस्तु को 81 रुपये में बेचा गया, किसी वस्तु को 81 रुपये में बेचा गया तो उसे 12.5% यानी 12/2% का लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखो इसको बहुत आसानी से करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल ही भागेगा नहीं, परेशान नहीं होएगा, समझिएगा बस चीज को, है ना। चलेगा नंबर 10 बनना, बच्चे करते क्या है यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, जब तक उनको मजा आता है पढ़ते फिर कहते यार अब डिफिकल्ट है अब नहीं पढ़ना। तो देखो बना 81 रुपये कोई वस्तु थी, धन लिख लिया, लेकिन उसने क्या कहा कि हमें फायदा हुआ है, कितना का हुआ है। अच्छा ऑप्शन भी बोले उसके, तुमने नहीं लिखे ऑप्शन, आंसर आ गया भाई तुम्हारा। अच्छा तुम समझो 81 रुपये की कोई वस्तु थी, ठीक, उसमें क्या हुआ कि मुझे 12.5% का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो हम लोग अपनी भाषा में उसको कहते हैं बेटा भूत के बाल पकड़ो आंसर आएगा, ठीक, तुरंत बोलेंगे हम वो बोल रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा 1/8, इसको परसेंट किसमें चेंज करते हैं 1/8, बस बेटा इतनी सी बात है। और चेंज करके बता दें, लीजिए बेटा 12 × 2 = 24 और 1 25/2 मल्टीप्लाई बाई 1/25 से कम 25 × 2 = 8 1/8, यही तो बात हम बोला हुआ बोले थे भाई 1/8। अभी करा क्या लाभ हुआ, जब लाभ हो तो उसको जोड़ देना है। देखो ये होता है हमारा रियल प्राइस, इसमें 1 जोड़ कितना गया बच्चे 9, ये करें 9 नहीं कितना कितना बेच रहे हैं बच्चे 81 का बेच रहे हैं, तो कितने को ना 9 ने, तो बेटा रियल मूल्य कितना होगा 9/8 डन किया जाए 72 नहीं 72 है, कोई दिक्कत यहां तक चलेगा। जिनको दिक्कत नहीं है उनको अच्छी बात, जिनको है वो फिर एक बार देख लें। देखो जब प्रॉफिट हो तो ऐड करना और लॉस हो तो घटाना है, मैंने बोला 12.5% का फायदा होता है, इसका मतलब क्या है 1/8। जिनको ये अभी तक नहीं आया एक बार रट लो मेरे यार, यार निकालना सीख लो कैसे 12 × 2 = 24 और 1 25/2 करोगे 4 25/2 करोगे मल्टीप्लाई बाई 1/100 2500 आ जाएगा आपको डन। चलिए अब ये क्या है, मतलब बोला लाभ हुआ तो 8 और 1 9, ये हमेशा होता है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है बेटा, या ओरिजिनल नंबर कह सकते हैं इसको आप, ठीक। ये क्या होता है जब लॉस प्रॉफिट, यानी 8 रुपये में 1 का फायदा हो रहा है कितने होगा बच्चे 9, ये करें 9 नहीं करें 81 रुपये हैं भाई, कितने हैं 81 रुपये हैं, तो हमने कोई बात नहीं 81 हैं तो हम 81 मान लेते हैं भैया, तो कितने गुना हो रहा है देखो 9 गुना हो रहा है यानी 9 गुना, तो बेटा जब ये 9 गुना है तो ये भी 9 गुना होना चाहिए कि नहीं। भारत के निवासी हैं, समान रूल समान नियम सबके लिए है, हाँ तो भारत भारतीय नागरिक शास्त्र में बेटा क्या है कि 9/8 72, देखो भारतीय कानून संविधान सब में लिखा है कि सभी नागरिक जो हैं वो समान अधिकार रखते हैं, अगर ये 9 गुना है तो ये भी होंगे, ठीक चलेगा। अब नंबर 11 लगाइए, अगर आपको इस समझ में आ गया तो आप जल्दी लगा देंगे। पढ़ेगा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 63 रुपये है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 63 रुपये है तथा उसे बेचने पर 16/2/3% का लाभ होता है तो
क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 54 रुपये मिल गए। ऑनलाइन वाले आपको मिले? दोनों भाई नहीं मिले तो ढूंढवा देंगे। बिल्कुल बेटा लेके जाना, ऐसे नहीं जाना। तुम बोले कथा सुनिए बेटा, कथा सुनिए, प्रसाद लेके जाना है। हाँ तो 63 रुपये की कोई वस्तु हमने क्या की बेटा, बेची है। उसमें फायदा कितने का हुआ? 16 सही 2/3% का। डन बेटा। ये कितने की वैल्यू है? 1/6 की। जिनको नहीं आता देखिए बेटा, 16 3 48 2 50/3 मल्टीप्लाई बाई 1/100। 50 एकम 50 दूनी ऊपर कुछ बचा नहीं, 1/3 दूनी 6। ठीक है, फायदा हुआ कितने? 6 पे 1 का, तो 6 और 1 7। ये करे 7 ने कितना बता रहे हैं बेटा? 63। 7 ने 63 कितने गुना हुआ बेटा? ये 9 गुना। तो ये भी 9 गुना होना चाहिए। बिल्कुल। तो 7 ने कितना है? 6 ने 54। उल्टा पड़ा याद रहता, सीधा अल्लाह नहीं रहता है। ठीक चलो भैया, कितना हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी इज डन। ठीक 54। चलो एक और करो ऐसे सेम। इस बार क्या करें? ब्लैक मार्केट इस्तेमाल करें। लो भाई अगला लिखो कि किसी वस्तु को 64 रुपये में बेचा गया तो उसे 14 सही 2/7 का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ऑप्शन ए 55 B 56 C 57 D 58। अरे खिलाड़ी होगा भाई तुम तो, देख लो वरना बल्ला अल्लाह छिन्ना पड़े तुम्हारा। बोले अच्छा ये बात, कोई नहीं छीन पाएगा। चलो भाई डन किया जाए। नंबर कितना था? 13 था ये? अरे 13 नहीं है भाई, 12 है। अच्छा इतना, अबे इतना आगे ना भाग, भर दिए मार करे तो गुस्से में आके लाओ, बार बार खत्म हो रहा है। ये वो वाले लोग हैं। बताते हैं भाई कितना? 14 सही 2/7% डन। कितने के बोले बच्चा? 1/7 फायदा हुआ। तो 7 और 1 8, ये कितना कह रहे हैं? 64। 8 8 64 कितने गुना हुआ? 8। तो ये भी कितना होगा बेटा? 8 7 56। ठीक है बेटा, ये वो वाले लोग हैं। इनने देखा यार कि एक मुर्गी जो है सोने का अंडा देती थी भाई साहब, और इनने सोचा यार ये मुर्गी जो सोने का अंडा देती है, इनके उनको लालच आ गया। रोज रोज एक एक देती, मतलब बहुत कंजूस है यार। अगर इसको मार दिया जाए, इसको फिर पेट फाड़ेंगे तो बहुत सारे अंडे होंगे, 2-4 6 ट्रक जो रोज रोज एक देती है। नहीं मारे, फाड़ दी, मुर्गी मर गई, अंडा निकला नहीं, अब परेशान। अच्छा गलती से एक अंडा मिल गया उसको अंदर, बोले एक था यार, फिर रोज कैसे आ रहा था? फोटोकॉपी हो रही थी का। तो बेटा लालच अच्छा है, लेकिन थोड़ा बुद्धि भी लगाइए कि जब वो डेली कुछ ना कुछ खाती थी तभी तो एक बंदा था ना। तो अब वैसे ही है कि जब कुछ करना चाह रहे हो तो उसको सिंपली समझ के करिए, ऐसा नहीं एकदम पकड़िए और दस जाइए। हाँ बेटा तुम्ही लोगों से कहा था, और क्या कहेंगे हम, हद हो गई है। अब बड़े हो गए तो कूट रखते नहीं हैं, ऐसा तुमको लगता है। हाँ लिखो भाई नंबर 13 लिखो। नंबर 13 कि किसी वस्तु को 714 रुपये में बेचने पर, यहाँ लगा दीजिए 714 रुपये में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है। हाँ तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अभी हानि वाले भी कराएंगे बेटा, थोड़ा थाली बरतो। 612। डन किया जाए। तुम्हारा भी आया भाई, बोले तुम ही हो। कौन वाले हो गए? बोले मिलन की जल्दी है। अबे नहीं मिल सकते हो बे,
मैं पहले तो वो पुराने गाने आते थे, बोलते थे कि मिलन की जल्दी है, हफ्ते हैं बाकी चार, अब ट्रेन की धीमी है रफ्तार, अब नहीं आता। अब आता है कि कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। मतलब पहले और प्यार के अब इतना चेंजमेंट है यार। मतलब पहले वेट करना पड़ता था यार, अब पहले गाना आता था कि भैया अब छोड़ो नहीं बताएंगे यार, बहुत ऊटपटांग हो गया सब। एक लड़की वो रैपर है, वो पता धमकी देती है या रैपिंग करती है कि मैंने तो कौन बे, मतलब अब सोने या धमकी सोने समझ रही। उसके लिए विकास सर का अच्छा है कि तू नहीं तो कोई और सही। चलो भाई पढ़ो, तुम लोग बातें तो बहुत मजेदार करते हो। चलिए, अब 714 रुपए में कोई वस्तु बेच रहा है और उसमें उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है बच्चा? 16 सही 2/3% का, इस टाइप का अंतिम है। अब नेक्स्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 1/6, तो 6 और 1 ये कह रहे हैं ना 700, तो 7 एकम 0, 7 दूनी 14, कितने गुना बेटा? 102 गुना। अच्छा, कई मेरे महान भाव वो क्या करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। भाई ये बताओ, बुद्धि चलाओ थोड़ी सी, कि यार ये बताओ कि भैया ये जो आया है संभव है 12 बार में आ जाए? नहीं बेटा, 102 बार में ही आएगा। क्योंकि जब देखो हम किसी एक संख्या से भाग करते हैं और वो पूर्णता चला जाता है और अगली संख्या में वो भाग देने से बड़ा है ना, तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप 1 0 लाएंगे, फिर उसको अगली संख्या को ऐड कर लेंगे, ठीक है? और अगर कभी आगे वाली भी ऐड होने पर ना, तो बेटा 1 0 और लगा देना, ऐसा सोच सकते हो। चलो ठीक करो बेटा, तो 7 6 7 4 बेटा 6 गुणे कितना हो जाएगा? 1 2 है ना, तो कितना? 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, ठीक चलेगा। नंबर नेक्स्ट करें, समय कितना हो गया भाई? चलिए, तो बेटा समय तो काफी हो गया है। अब ऐसा करते हैं कि कल इसको करते हैं, क्योंकि इसका जो बैटरी वैटरी कुछ भी दिक्कत कर रही है मोबाइल की, तो अब इसको कहते हैं कल हम लोग ना ऐसे उसके साथ में स्टार्ट करेंगे, अनुपात की पहलू के साथ में, और बहुत सारे नंबर अलग अलग लाने वाले। अभी क्लास आपकी जो परसेंटेज बेटा कम से कम 1 सप्ताह या 8 दिन तक, 7 या 8 दिन तक चलेगी कंटिन्यू, तो डेली क्लास को शाम को अटेंड करें और डेली नए टाइप होंगे और सब विशेष मिलेगा, ठीक है? तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।